कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। बोल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मैं ऐसे कान पकड़ता हूँ या फिर ऐसे कान पकड़ता हूँ तो कुछ फर्क है? क्योंकि कान भी मेरा है, हाथ भी मेरा है और पकड़ने वाला भी मैं हूं, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये आप भी समझ गए और जो भी समझदार इंसान इसको देखेगा तो समझ जाएगा कि दोनों सेम ही है। लेकिन यहाँ पे बृजभूषण शरण सिंह, जिसने महिला पहलवानों को दुष्कर्म किया और ये महिला पहलवान रास्ते पे धरना दिए, कई कई दिन धरना दिए और उनको बहुत ही ज्यादा अच्छे सिटीजन, सेकुलर सिटीजन की तरफ से बहुत ही ज्यादा बैकिंग मिली, उसके बावजूद बीजेपी ने बृजभूषण शरण सिंह के लड़के करण भूषण शरण सिंह को कैसरगंज से लोकसभा की टिकट दी थी। तो आज का टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल मेरी नजरों से गुजरा जो आपकी स्क्रीन पे, जिसमें बताया गया कि देश की बेटियां हार गई, साक्षी मलिक आफ्टर बृजभूषण सन करण भूषण सिंह गेट्स बीजेपी टिकट फॉर लोकसभा पोल्स। तो इतना बड़ा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि ये जो WBS बृजभूषण सिंह है उसको टिकट ना देते हुए बीजेपी ने उसके लड़के करण भूषण सिंह KBS को टिकट दी कैसरगंज से। तो अब बाप बेटा लड़े, बाप अगर इलेक्शन लड़ रहा है कैसरगंज से या बेटा उसके बिहाफ में, बाप के बिहाफ में अगर इलेक्शन लड़ा कैसरगंज से लोकसभा का, तो दोनों सेम है। तो ये बीजेपी मोदी शाह क्या दिखाना चाहते हैं सिटीजन को कि हमने देखो BBS का टिकट काट दिया, उसने जो दुष्कर्म किया, जो गलत काम किया, जो चेयरमैन था वेस्टिंग फेडरेशन का उसका दुरुपयोग किया, तो हमने देखो उसके टिकट काट दिए, जबकि इतना टाइम लगा उसके टिकट काटने और टिकट दिए तो भी क्यों, किसको, उसके बेटे को। तो क्या फर्क हुआ? जैसा मैंने कहा ना, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, पकड़ने वाला मैं हूँ, कान मेरा, हाथ मेरा, दोनों सेम है। तो शायद बीजेपी, शायद मोदी, शायद शाह हिंदुस्तानियों को नादान समझ रहे, बेवकूफ समझ रहे, कम अकल समझ रहे, जिसकी वजह से ऐसी ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हैं। BBS का टिकट काट के उसके लड़के KBS को टिकट दे दिया गया कैसरगंज लोकसभा से, जो उत्तर प्रदेश में। तो क्या फर्क हुआ, क्या इंसाफ मिला लेडीज वेस्टलर को? तो इस तरीके से बीजेपी ने जो टिकट दिए KBS को, करण भूषण सिंह को उसके बाप की जगह, BBS की जगह, ये बहुत ही गलत हुआ। और ये आप देख लीजिए, भले ही BBS का बहुत ही दबदबा है, पावर है, प्रेशर है कैसरगंज में और अतराफ के जिलों में, उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके बावजूद उसका बेटा KBS करण भूषण सिंह ये कैसरगंज की सीट हार जाएगा, वो जीत नहीं पाएगा, क्योंकि सिटीजन, सेकुलर सिटीजन, पढ़े लिखे सिटीजन, लड़कियां, औरतें, ये सब बहुत ही ज्यादा खफा है BBS से। अब उसका भुगतान देंगे उसका बेटा KBS, इंशाल्लाह। सह चुके हैं सितम हम बहुत गैर के, अब करेंगे हर एक वार का सामना। सह चुके
है सितम, हम बहुत गैर के अब करेंगे हर एक बार का सामना। झुक सकेगा ना अब सरफरोशों का सर, चाहे हो खूनी तलवार का सामना, चाहे हो खूनी तलवार का सामना। सर पे बांधे कफन हम तो हंसते हुए, मौत को भी गले से लगा जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन।